ये कंपनी वालों ने हम लोग 7.5 लाख रुपए लगाए, 5.5 उमर के हाथ में लगाए, 2.5 लाख बिलाल के हाथ में लगाए। चोरा है, 2 दिन पहले ऑफिस में मैं जाके इनके मिलाल अल्लाह रसूल की बात करा, अजबाक रहा है अल्लाह रसूल की बात करा, इन्वेस्टमेंट करके हम लोग 2 महीने पैसे देते हैं, ये लोग फरार हो गए, पूरा के पैसे लेके फरार हो गए। 15 दिन से कंप्लेंट दिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड आके, इन लोग बोले हम 11-12% आपका इन्वेस्ट करते, बोले कहीं और पैसा हम लोग किराना है क्या क्या है काम उनके नहीं मालूम, इन्वेस्टमेंट करते बोले उस पर आपको 12% देते, बोले 11% देते, बोले 2-4 महीने दे के ये लोग क्या करे, जैसे यूट्यूबर को बोले यूट्यूबर पे हम लोग 1-1 लाख इन्वेस्टमेंट करे, बोले आप लोग भी करिए, बोले तो इनका जून में जुलाई में 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करे, इन लोग करे तो ये लोग लालच उनको उमड़ गई, लालच लेके ये लोग पैसे लेके भाग गए, सब 1-1 करके भाग गए ये लोग, इन्वेस्टमेंट। और ये लोग 6 लोग है मेन, सबसे पहले अशफाक राय है, अशफाक राय ही नहीं, सेकंड बिलाल है, थर्ड उमर है, मेन उमर है, उमर बिलाल मोईस फातिमा सभी है, और एक एक है काम वो याद कर रहा है। मैं दीनों इस्लाम में हूँ बोल रहा, मैं दीन इस्लाम को बदनाम कर रहा हूँ, विक्टिम हूँ, एक DKZ का इन्वेस्टर हूँ मैं, 6 महीने पैसे लगाया था 5 लाख जिसका उन लोग प्रॉफिट देते बोले थे, 2-3 महीने दिए भी प्रॉफिट, उसके बाद एकदम अगस्त में बंद है। इन्वेस्टमेंट की कंपनी है जो के माधापुर लोकेशन पे थी, इन लोगों को यूट्यूबर के द्वारा प्रमोट करके इन लोग ने आम पब्लिक से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हासिल किया, इसके बाद 5 ईयर तक चली, इसके बाद धोखा देके इन लोग ने भाग गए। अभी मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ ये कंपनी का, 10% पे इन लोग दे रहे थे मंथली पे आउट, तो पे आउट आना जुलाई से बंद हो गया, तो ज्यादातर पब्लिक वहाँ पर विजिट करी ऑफिस को जाने के बाद पता चला कि इन लोग पैसे लेके गायब हो गए। स्टाफ का बहाना यही था कि हमारे स्टाफ के साथ कोई मिसबिहेव करा, इसलिए हम लोग ऑफिस क्लोज करे, यही इन लोग बोल बोल के 1 मंथ तक डिले करे, इसके बाद ऑफिस हमेशा के लिए क्लोज हो गए। फिर जो स्टाफ के घर पर भी जाकर हम लोग ने पता लगाया कि इन लोग कहाँ पर रहते क्या नहीं, इतने में हम लोग FIR भी कराए थे, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ली, तो हम लोग ने ग्रुप ने एक बना के उन लोग के जितने भी सर्च करके हम लोग उन लोग के घर पे गए, घर पे जाने के बाद मालूम करे के सब जो भाग चुके हैं। आगे फंडिंग बोला।